हाय फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू चेक जियो डेटा बैलेंस। यार आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको नहीं पता है कि अपने इंटरनेट डेटा बैलेंस को कैसे चेक करते हैं। तो इस वीडियो में एक दो नहीं ऐसे 5 तरीके बताऊंगा जिसके मदद से आप बड़ी आसानी से अपने डेटा बैलेंस को चेक कर पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ओके, तो यहाँ पे पहला जो तरीका है वो है मिस कॉल। मिस कॉल यार एक नंबर है जियो का जिसपे आपको सिंपली से कॉल करना है। आप कॉल करोगे, कॉल ऑटोमेटिक ही जो कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली से आपको करना क्या है, अपने डायल पैड पे आना है और यहाँ पे 1299 पे जो है कॉल करना है, ठीक है। कॉल जैसे ही आप करोगे तो कॉल रिंग होकर कट जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन पे 2 SMS आएगा, जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 SMS के अंदर जो है आपके अकाउंट का पूरा डिटेल होगा कि कितने का आपने प्लान रिचार्ज करवा रखा है और क्या कुछ आपके अकाउंट के अंदर है, और दूसरे वाले SMS के अंदर जो है आपके अकाउंट का स्टेटस दिख रहा होगा, यानी कि कितना डेटा बचा हुआ है, कितना SMS पैक बचा हुआ है, ठीक है, कितना SMS बचा हुआ है एंड कितना मेन बैलेंस बचा हुआ है। तो ये है पहला तरीका। तो दूसरा जो तरीका है वो है माई जियो ऐप। अगर आपके फ़ोन में माई जियो ऐप नहीं है तो सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर आना है और वहाँ पर टाइप करना है माई जियो, और ये जो एप्लीकेशन है सिंपली से आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाओ एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका मोबाइल नंबर, प्लान और डेटा बैलेंस, ठीक है। तो डेटा बैलेंस में आपको दिख रहा है कि आपका कितना डेटा जो है बचा हुआ है डेली कोटा में से। अगर आपको और भी डेप्थ में जानना है कि आपने कितने बजे कितना डेटा यूज़ किया है, यानी कि कितने सेशन में यूज़ किया है, तो सिंपली से डेटा बैलेंस वाले ऑप्शन पर टच करो एंड इसके अंदर में इसका और भी डेप्थ डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगा। तो ये है दूसरा तरीका। तो यहाँ पे तीसरा जो तरीका है वो है मैसेज, यानी कि सिंपली आपको अपने फ़ोन से एक SMS भेजना है, ठीक है। तो आप अपने मैसेज बॉक्स में आ जाओ एंड यहाँ पे आपको भेजना है 199 पे, ठीक है। अब भेजना क्या है, तो सिंपली से आपको लिखना है BAL। जब इसको लिख के भेज दोगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, आपके फ़ोन पे 2 SMS आएगा एंड 1 SMS के अंदर आपका पूरा डिटेल होगा एंड दूसरे SMS के अंदर आपके अकाउंट का पूरा स्टेटस होगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में कितना डेटा जो है बचा हुआ है, ठीक है। तो ये था तीसरा तरीका। तो अब बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ, तो ये है वेबसाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपको ब्राउजिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आप ज़्यादातर आपका टाइम जो है ब्राउजिंग करने में जाता है, तो आप वेबसाइट की मदद से भी जो है चेक कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको अपने ब्राउज़र पर आना है एंड यहाँ पर सर्च करना है jio.com और सिंपली इसके वेबसाइट पर आपको आ जाना है एंड वेबसाइट इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। तो आप देखिए राइट साइड ऊपर कॉर्नर में एक ऑप्शन है साइन इन का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये पूछेगा कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका क्या है, मोबाइल है, जियो फाई है, जियो फाइबर है या फिर जियो लिंक है। तो भैया आप अपने फ़ोन के लिए चेक करना चाहते हैं तो सिंपली से मोबाइल पर टच कर दो एंड अब आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉग इन करना है, यानी कि जो भी जियो नंबर का स्टेटस चेक करना चाहते हैं आप उस जियो नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए एंड गेट OTP पे क्लिक कीजिए। तो आपके जो है फ़ोन पे उस जियो नंबर पे एक OTP आएगा, सिंपली से वो OTP यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो है आपका वेबसाइट जो है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट का स्टेटस पूरा डिटेल में दिख रहा है और कितना डेटा यहाँ पर बचा हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप चौथे तरीके से मदद से जो है इस तरह से आप अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है आखिरी और पांचवा तरीका, ये तो वैसे भी सभी के लिए हेल्पफुल है लेकिन उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जिनको फ़ोन चलाना कम आता है, ठीक है। तो सिंपली से क्या करना है, आपको जियो का एक नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है, वो नंबर है 198। सिंपली जब आप इस पर सिंपली से कॉल करेंगे ना तो आपको ऑडियो के तौर पे सुनाई देगा आपके अकाउंट का स्टेटस, यानी कि आपके अकाउंट में कौन सा प्लान रिचार्ज है, कितना डेटा बैलेंस बचा हुआ है एंड SMS पैक कितना है एंड इसका एक्सपायरी डेट कब तक होगा, ठीक है। ये सब कुछ उसमें आपको डिटेल में सुनाई देगा। तो इस तरह से आप ऑडियो की तरह यानी कि वॉइस में आप इस चीज़ को सुन सकते हैं एंड समझ सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये था पूरे 5 तरीके जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपने डेटा बैलेंस को जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है डेटा बैलेंस को चेक करना तो आई होप कि इसमें से कोई ना कोई जो है ऑप्शन आपको या तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा तरीका आपको जो है पसंद आया या फिर आप पहले से चेक करते हो, ठीक है। एंड अगर आपके फैमिली रिलेटिव में कोई ऐसा है जिनको नहीं पता, यार ये वीडियो उन तक पहुंचा दो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड
कमेंट करके बताना भूलना मत। अगर तुम्हें मोबाइल फोन के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, और अगर तुम्हें इंस्टाग्राम के बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो।